नमस्कार दोस्तों, सुभी टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे थोड़ी सी हार्वेस्टिंग और अपने टेरिस गार्डन का ओवरलुक देखेंगे। तो ये देखिए किस तरह से बरसात के बाद बहुत अच्छी फ्रूटिंग बैगन में और लोबिया में, बाकी सारी सब्जियों में बिल्कुल ही लुक चेंज हो गया है सारे पौधों का। और इस तरह से देखिए बैगन कितनी अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है, बिल्कुल पेड़ जैसे झुक गया है, इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावरिंग भी अब स्टार्ट हो गई है फ्लावर के पौधों में। तो ये गुड़हल का मैंने नया पौधा लाया था और इसमें मैं जब से लाई हूँ तब से काफ़ी फ्लावरिंग हुई है और फूल की भी फूल भी अब आने लगे हैं। और ये देखिए मेरे भिंडी का पौधा भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले लिया है और इससे भी मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने लगी है। भिंडी के पौधे के साथ ये होता है, फ्रूट के साथ ये होता है कि इसे ये जैसे जैसे डेली ही पेड़ से मिल जाता है 4-5-6-7 ऐसे करके, और उसे हम फ्रिज में स्टोर करते हैं 2-3 दिन में, 1 दिन बनाने जितना हो जाता है हमारे पास। और ये देखिए तरोई का पौधा है और ये मेरा रजनीगंधे का फ्लावर है, अब स्पेंड होने पे है। बहुत अच्छी फ्रूटिंग इसमें, बहुत बड़ा ये ब्रांच था। और ये आप देख रहे होंगे करेला भी, बरसात का करेला आना भी स्टार्ट हो गया है। और इससे पहले भी मैं एक हार्वेस्टिंग दे चुकी हूँ करेले के पौधे से, हर बार वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है। लोबिया की तो मुझे डेली ही हार्वेस्टिंग मिल रही है और अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इसे खा रही हूँ, क्योंकि रोज़ एक ही चीज़ की सब्ज़ी हम नहीं खा सकते हैं। और करेला भी, क्योंकि करेला का अभी मैंने थोड़े थोड़े गैप पे लगाया था तो ये वाला फर्स्ट फ्रूटिंग है। और ये देखिए सफ़ेद बैंगन, ये मुझे इसका टेस्ट जितना अच्छा नहीं होता है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बिल्कुल अंडे की तरह दिखता है, जैसे लगता है पेड़ में अंडा फला हुआ है। आप इसका सेफ भी देखिए, बिल्कुल ओवर सेफ में अंडे की तरह बिल्कुल दिखता है। और ये बरसात वाला लोबिया का प्लांट है, ये प्लांट मुझे नवंबर तक फ्रूटिंग देगा। और ये अनार का ग्रोथ है, अनार में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है बरसात में, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और इसमें कंटिन्यूस ही सारे में फ्लावरिंग भी एक तरफ से होती रहती है, फ्रूट्स बनता रहता है। और इसे कहे तो एक तरह से मेरे पास जितने भी पौधे हैं वो 12 मासी हैं। और ये देखिए चिली, बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है चिली के पौधे में। और ये सारी मेरी हरे मिर्च का पौधा जो है, मुझे मैं जितना यूज़ नहीं करती हूँ इसे खाने में, उतना मुझे ये देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने काफ़ी पौधे लगा रखे हैं। और इस लास्ट ईयर मैंने इसको लाल करके इसका पाउडर बना के रखा था अपने पास, इसलिए मैंने और भी ज़्यादा प्लांट इस पर लगाया है। और ये भिंडी का तो देख ही रहे होंगे, पौधे की ग्रोथ से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने हेल्दी प्लांट्स हैं। और ये मेरा केले का पौधा है, ये मुझे गॉड गिफ्टेड एक तरह से है मेरे लिए, मैं इसे लगाई नहीं हूँ, ये अपने आप निकल आया था केले का पौधा। और लौकी में भी फ्रूटिंग हो रही है, स्टार्ट हो गई है। आज मैं एक लौकी हार्वेस्ट भी करूँगी, उस तरफ है, उसे मैं निकालूंगी। तो ये अचारी मिर्ची का पौधा है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है बरसात के बाद। तो मैं अभी उस तरफ जाके लौकी आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे दे रही हूँ, क्योंकि हार्वेस्ट करते हुए पौधों पे छोटी छोटी चींटियाँ आ गई हैं, तो ऐसे वो प्लांट को तो नुकसान नहीं करती है पर अपने को तो बहुत तेज़ काटती है। तो इसलिए मैं वीडियो बनाते हुए हार्वेस्ट करने में क्या होता है, काफ़ी चींटियाँ शरीर पे चढ़ जाती हैं, तो इस कारण से मैं हार्वेस्ट करके आपको एक बार दिखाऊंगी कि ऐसी हार्वेस्टिंग हुई है। मैं आपको एक बार गार्डन का ओवरलुक दिखा दे रही हूँ। ये देखिए लौकी में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग इस पर स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए अरबी का पत्ता भी तैयार हो गया है, और अरबी तो नवंबर दिसंबर के समय निकलता है, पर पत्तियाँ इस समय खाने की इसकी सब्ज़ी पकौड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है।
और भिंडी इस तरफ भी बॉक्स में मैंने भिंडी लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हार्वेस्ट करते हुए वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भिंडी हाथ से तोड़ना मुश्किल होता है, उसे कैचिंग से दो लोग हों तो वीडियो अच्छी बन जाती है, पर मुझे अकेले ही करना होता है सब कुछ, इसलिए मैं आपको वो लुक दिखा दे रही हूँ, फिर हार्वेस्ट करके मैं आपको दिखाऊँगी। तो और मिर्ची भी है, आज मिर्ची भी थोड़ी सी हार्वेस्ट की जाएगी, मिर्ची भी अब तैयार हो गई है काफ़ी। इसमें ये मेरे पिछले साल का पौधा है और इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है, बिल्कुल भर के फ्रूटिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं, तो जितनी मेहनत मैं करती हूँ उससे अच्छी मुझे इसमें से हार्वेस्टिंग मिल जाती है सारे पौधों में से। और वैसे ही ग्रीनरी देख के ही बहुत अच्छा लगता है, छत पे क्रिएट किया हुआ इतना सुंदर इन्वायरमेंट बहुत ही प्यारा लगता है ऐसा गार्डन। तो अब मुझे अब थोड़ा सा इसमें से जो पुराने पौधे हो गए हैं उन्हें हटाना भी है धीरे धीरे, मेरे पास आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं नहीं हटा पा रही हूँ। और ये देखिए ये हो गई हार्वेस्टिंग, लौकी, बैंगन, लोबिया भी और भी हार्वेस्ट करना है, तो मैं लाइव करते करते लोबिया हार्वेस्ट करूँगी और सारी हार्वेस्टिंग आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए आज की हार्वेस्टिंग है, तरोई है, लौकी है, बैंगन है, करेला है, भिंडी है और ये अचारी मिर्च है, और भी मिर्च है नीचे की तरफ। तो ये रहा आज की हार्वेस्टिंग का एक दृश्य, बहुत ही बढ़िया लगता है हमें इस तरह से हार्वेस्टिंग हमें टेरिस से मिल जाती है। थैंक यू सो मच।